हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर राधिका है और मैं आप सभी का इस चैनल में स्वागत करती हूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आज हम कुछ बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिंस की जो एंजाइटी और फियर में बहुत इफ़ेक्टिव हैं। स्पेशली आजकल बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं कोरोना के बाद जिन्हें बहुत एंगजाइटीज़ और फियर हैं, तो आप में से कोई मेडिसिन दे सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एकोनाइट के बारे में। एकोनाइट में बहुत सारे फियर्स हैं, स्पेशली डेथ का फियर है, डार्कनेस का फियर है, म्यूजिक साउंड नॉइज़, स्पेशली प्रेगनेंसी में उसे डेथ का डर लगता है, उसे ट्रॉलीज़ में चढ़ने से डर लगता है, ट्रेन में चढ़ने से डर लगता है, रोड क्रॉस करने से डर लगता है, बहुत एंजाइटी है, बहुत रेस्टलेसनेस है, तो आप एकोनाइट सोच सकते हैं। फिर उसके बाद है स्ट्रेमोनियम, जिसमें हेलुसिनेशंस की वजह से उसमें फियर्स हो जाते हैं, डिलीरियम में फियर हो जाता है, उसे डार्कनेस से भी डर लगता है, उसे लाइट से भी डर लगता है, उसके चमकीले ऑब्जेक्ट्स अगर वो देख लेता है उससे भी डर लगता है, उसे डर लगता है कि कोई उसे इंज्योर कर देगा, उसे पानी से भी डर लगता है, उसे पानी की प्यास होती है मगर वो पानी नहीं पी पाता क्योंकि उसके पानी से ही डर लगता है। हायोसेमस में भी ऐसा उसको डर लगता है कि कोई उसे पॉइजन डाल देगा खाने में, उसे इंज्योर कर देगा, कोई जानवर उसे आके काट लेगा। बेलोडोना में भी फियर्स दे, कुछ उसके साथ बुरा घट जाएगा, वो भागने का मन करता है उसको, उसे भी जानवरों से डर लगता है, स्पेशली डॉग से बहुत डर लगता है। देन क्यूप्रम मेटालिकम में डर हो, उसे डर की वजह से उसकी सांस बहुत तेज़ फूलने लग जाती है। इग्नेशिया में बहुत लंबी लंबी आहें भरता है एंग्जाइटी और फियर की वजह से। ब्राइनिया में उसे डर लगता है कि कहीं ना वो गरीब ना हो जाए, इसलिए वो बहुत मेहनत करता है। ओपियम में उसे फियर होता है कि डेथ का फियर होता है, कोई बुरी घटना उसके साथ जीवन में कहीं घटी है, उसकी वजह से डर बैठ जाता है, डर की वजह से उसे डायरिया होता है। देन वी हैव अर्जेंटम नाइट्रिकम, उसे क्राउडेड प्लेसेस में, चर्चेस में, मार्केट्स में, या कोई मीटिंग्स हैं जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, या लिफ्ट में चढ़ने से उसे बहुत डर लगता है, उसे हाइट से भी बहुत डर लगता है, अगर ऊंची जगह से वो नीचे दिख रहा है तो उसको फियर ऑफ हाइट, फियर ऑफ फॉल, ऐसा डर अर्जेंटम नाइट्रिकम में होता है। इसमें स्टेज फ्राइट एग्जामिनेशन फंग के लिए भी अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत इफेक्टिव है। यूजली बहुत हरीड होते हैं, रेस्टलेसनेस होते हैं, एंगजाइटी, ओवर एंशियस पेशेंट्स होते हैं, हरीड वरीड, आप अर्जेंटम नाइट्रिकम सोच सकते हैं। फिर हम जलसीमियम के बारे में बात करते हैं, जिसमें स्टेज फ्राइट होती है, एग्जामिनेशन फंक होती है, अगर वो कोई न्यूज़ भी सुन लेता है जहाँ पे कहीं पे बॉम्ब गिरा है या एयर स्ट्राइक हुई है तो भी उसकी दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है, उसे ट्रेमलिंग हो जाती है, रेस्टलेसनेस हो जाती है, एंगजाइटी हो जाती है, तो आप जलसीमियम सोच सकते हैं। ये थी कुछ मेडिसिन्स एंग्जाइटी और फियर के बारे में। फिर हम नई वीडियो के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।